दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि FGX में ऐसा क्या है कि FGX के लिए हम लगभग 1,50,000 रुपये खर्च करें। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि यहाँ FGX में क्या खास बात है कि हम FGX पर लगभग 1,50,000 रुपये खर्च कर सकते हैं। FGX में यामा की विश्वसनीयता तो मिलती ही है और साथ में मिलता है इसका शानदार लुक। इसकी जो हेडलाइट की बात करें तो इसके हेडलाइट का डिज़ाइन बहुत ही शानदार है और यह इसकी हेडलाइट कभी भी आपको अंधेरे में निराश नहीं करेगी। और इसके लुक की बात करें तो इसका जो लुक है बहुत ही बेहतरीन दिया गया है, ज़बरदस्त लुक के साथ में आती है ये। और इसके जो भी जितने भी कलर आते हैं सभी बहुत ही बेहतरीन है। और इसके बात करते हैं इसके टायर की, तो इसमें ब्लॉक पैटर्न टायर दिए गए हैं जिसकी ग्रिपिंग बहुत ही बेहतरीन है, तो ये आपको स्लिप होने से बचाती है। और हम बात करते हैं इसके फ्रंट के डिज़ाइन की, तो फ्रंट का डिज़ाइन कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही बेहतरीन लगती है ये बाइक। तो इसके लेने की जो वजह है इसका शानदार लुक, यानी कि इसका डिज़ाइन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइनिंग दी गई है इसमें, जो डिज़ाइन किया गया है वो बहुत ही बेस्ट है। और इस देखिए पीछे का लुक आपको दिखा देते हैं, पीछे से कुछ इस तरह से ये दिखाई देती है, तो पीछे से भी इसका लुक अच्छा है, इतना शानदार नहीं कह सकते लेकिन अच्छा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सीट की। तो इसकी जो सीट है वो काफ़ी कंफर्ट है, यानी कि सीट की चौड़ाई भी ठीक ठाक है और कुशनिंग है वो भी बहुत अच्छी दी गई है, यानी कि यह सीट आपको काफ़ी लंबी राइड तक थकान नहीं होने देगी। तो सीट भी बहुत अच्छी है इसकी। और पीछे ये एक टेल लैंप, LED टेल लैंप दिया गया है। और विशेष बात इसमें यह है कि इसकी जो हैंडल की जो हैंडल बार की पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी है, यानी कि एक अच्छे एंगल पर इसका एक हैंडल बार दिया गया है, जिससे क्या है कि हम राइड करते हैं तो लॉन्ग राइड में भी हमें यह इतना जल्दी थकान पैदा नहीं होने देता है। तो इसकी विशेष बात है इसका कंफर्ट, इसका जो कंफर्ट है बहुत ही बेहतरीन है। इसका जो बैठने का एंगल है राइडर का, तो ये काफ़ी अच्छा दिया गया है, जिससे राइडर को लंबी दूरी तय करने पर भी इतनी जल्दी थकान महसूस नहीं होती है। तो दोस्तों, कंफर्ट के मामले में बेस्ट है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इसको कंफर्ट के लिए और स्टाइलिश लुक के लिए ख़रीद सकते हैं। तो यह बाइक आपको कंफर्ट और स्टाइलिश लुक के मामले में कभी निराश नहीं करेगी। तो अब बात करेंगे इसके प्राइस की। तो इसका जो प्राइस दिया गया है वो थोड़ा ओवर है, यानी ओवर प्राइज्ड बाइक है ये। तो इसका प्राइस का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आपको इसका प्राइस का कैलकुलेशन करके मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं कि FGX का एक शोरूम प्राइस 1,25,000 रुपये अप्रोक्स ले लेते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट में इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है। तो हमने एक प्राइस मान लेते हैं अप्रोक्स जो है 1,25,000 रुपये एक शोरूम प्राइस। तो दोस्तों, इस प्राइस में 1,25,000 रुपये में सरकारी टैक्स यानी GST शामिल है 28%। तो उस हिसाब से 28% के हिसाब से बनते हैं 35,000 रुपये, यानी कि GST हो गए 35,000 रुपये। तो 1,25,000 माइनस 35,000 बराबर 90,000, यानी कि कंपनी के पास पहुँचे 90,000 रुपये मात्र। तो दोस्तों, हम इसका एक अनुमानित प्राइस अप्रोक्स प्राइस ले लेते हैं 1,50,000 रुपये ऑन रोड प्राइस। तो 1,50,000 रुपये कस्टमर देता है FGX के लिए, उसमें से यामा मोटर इंडिया के पास पहुँचते हैं 90,000 रुपये। तो 90,000 रुपये में बाइक यामा मोटर इंडिया आपको ये बाइक दे रहा है, बाकी आपके GST में, इंश्योरेंस में, रोड टैक्स में, RC वगैरह में चले जाते हैं, यानी कि 60,000 रुपये आपके चले गए GST वगैरह
टैक्स वैक्स में, तो यामा मोटर इंडिया के पास 90,000 रुपये पहुँचते हैं। दोस्तों, बाइक के ओवर प्राइड होने के पीछे भारी भरकम टैक्स भी है, लेकिन आम आदमी के लिए 1,50,000 या उससे अधिक बहुत मायने रखते हैं। यदि यह बाइक आपके बजट में है तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि यह एक बेहतरीन बाइक है, आप इसके लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के साथ में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें।